सही है इसका। चलो प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट करो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा जरूर। तो यहाँ से कहता है रेजिस्टेंस एन ईच ऑफ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर मैं बहुत सारे मेरे पास रेजिस्टेंस हैं, देयर आर ए लॉट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल डॉट 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 एन टाइम्स दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये हमें पैरेलल में कनेक्ट हो गए ये सारे आर 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 डॉट 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 इस एन टाइम्स जितने भी हैं। हाँ, 10 हैं तो 10 बार कनेक्ट कर दोगे, 20 है तो 20 बार कनेक्ट कर दोगे। तो हम सबको पता है कि नेट रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में अगर इक्वल होते हैं तो आर अपन एन होता है जितने होते हैं, तो स्मॉल आर अपन एन दैट इज द नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, ये मिनिमम रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? मिनिमम रेजिस्टेंस। अगर आपके पास 10 रेजिस्टेंस दे दिया गया तो उस 10 रेजिस्टेंस का जो मिनिमम वैल्यू है वो ये होता है। ठीक है, अब इन्हीं को पैरेलल में कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे और ये आर नेट की वैल्यू यहाँ आर दिया हुआ है तो स्मॉल आर अपॉन एन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इनको सीरीज में कनेक्ट करता हूँ, चलो सीरीज में कनेक्ट करते हैं डॉट 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 एन टाइम्स जितने हैं, 10 हैं तो 10 बार कनेक्ट करोगे, 20 हैं तो 20 बार कनेक्ट करोगे, 100 हैं तो 100 बार कनेक्ट करोगे एन टाइम्स। तो नेट रेजिस्टेंस इस केस में आ जाएगा नेट रेजिस्टेंस आर एस इन सीरीज, दैट इज हम सबको पता है एन आर होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है गिवन रेजिस्टेंस के लिए। आपको कोई 10 रेजिस्टेंस दे दिया या 20 रेजिस्टेंस दे दिया, बोल दिया कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो तो एन आर होगा और मिनिमम वैल्यू आर अपन एन होगा। ठीक है, तो अब ये कहता है कि यहाँ से इसकी वैल्यू पूछ रहा है, आर एस की वैल्यू पूछ रहा है, तो स्मॉल आर यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से मुझे स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी एन टाइम्स कैपिटल आर और ये ले जाके यहाँ पे रख दूंगा, ये पुट इन दिस इक्वेशन। तो आर एस इन सीरीज दैट इज इक्वल टू एन आर की वैल्यू ईयर एन कैपिटल आर दैट इज एन स्क्वायर आर दैट इज नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज दैट इज फाइनल सोल्यूशन इज एन स्क्वायर ओवर आर। ए ऑप्शन सही है।